अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। आप सब सोच रहे होंगे आज ये हमें ये क्या कचरा सा कुछ दिखा रही है, कि आपने कई बार वीडियो देखी होगी कि गोभी बनाई थी, गोभी तो कुछ बीमार हो गए। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम गोभी काटते हैं तो आप देखें ये इसमें ये ऐसे कीड़े निकलते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो अभी मैंने जैसे गोभी काटी तो ये कीड़े निकले, कम से कम 3 या 4 निकले थे। एक आप ये और देख सकते हैं, एक ये रहा, 2 या 3 छोटे छोटे और भी थे। तो हम कई बार जल्दबाजी में ये काट लेते हैं तो ये कीड़े भी साथ कट जाते हैं और इसका जो गंदगी है जो सब कुछ है तो हमारी गोभी में लग जाती है। तो आप एहतियात से गोभी को काटें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल किया है, इसमें मैं ये डालूँगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी के बारे में आपको तो पता ही है कि हल्दी कितनी एंटीबायोटिक है, तो मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डाल देती हूँ। बड़ा ये मेरा बड़ा चम्मच है इसलिए मैं 1/2 चम्मच डाल देती हूँ। और आप इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच के करीब ही मैं नमक डाल दूँगी, इससे ये होगा गोभी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सब निकल जाएंगे। तो मैं गोभी को पूरी ऐड कर दूँगी। तो ये वाला स्टेप ज़रूर आप फॉलो करें जब भी आप गोभी बनाएं। तो बस सिर्फ 1 बॉयल दूंगी मैं इसे। जी आप देखिए हमारे गोभी के पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो हम बस 1 या 2 बॉयल इसमें लगाएंगे तो हमारी गोभी एकदम फ्रेश हो जाएगी। तो आप ज़रूर ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करें जब भी आप गोभी बनाएं। बस आप गैस को हम बंद कर देंगे और पानी से बाहर निकाल लेंगे गोभी को। मैंने इसे पानी से बाहर निकाल लिया है, इस पर थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं। ये देखें अब हमारी गोभी बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। तो आप ज़रूर ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा जब भी आप गोभी बनाएं। हम इसे साइड में रखते हैं, चलते हैं आगे रेसिपी बनाने के लिए। तो मैंने कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया था, आप देख सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1 कटी हुई प्याज है, ये इसमें डाल देंगे। प्याज को हल्का गोल्डन करेंगे, हम ज़्यादा काला नहीं कर देंगे। प्याज को अगर हम ज़्यादा काला कर लें तो हमारी सब्ज़ी में कलर आ जाता है, सब्ज़ी काली काली लगती है। तो हम हल्का सा गोल्डन कलर करेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच से भी कम ज़ीरा। प्याज में गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 खड़ी मिर्चें लाल सूखी वाली, वो मैं इसमें डाल दूँगी। उसको भी थोड़ा सा तेल दूँ, कुछ सेकंड के लिए हम इसको भी फ्राई कर लेंगे तेल में। अब मैं इसमें डाल दूंगी गोभी जिन्हें मैं बॉईल किया था पानी में, वाली गोभी इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 आलू लिए मैंने, इन्हें मोटा मोटा कट कर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम तेल में फ्राई करेंगे सब्ज़ी को। हरी सब्ज़ी को अगर आप तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे तो टेस्टी और जायका अच्छा आएगा इसका। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे हम इसमें, जिससे हमारी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो हमने इसमें नमक डाल दिया है, अब मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट हो गया, मैंने तेल में अच्छे से फ्राई कर ली सब्ज़ी को। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ 1 टमाटर लिया मैंने और ली है 2 हरी मिर्च लिए, उनको थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर लिया, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गोभी पे हमने पहले हल्दी डाली तो उसका कलर आ चुका है थोड़ा। और 1/2 चम्मच के करीब हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 ही चम्मच के करीब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि सब्ज़ी को भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। हरी मिर्च भी हमने इसमें डाली और लाल खड़ी मिर्च भी डाली है, तो मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम डाला है। तो आप अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ी में एकदम सूखी सूखी ऐसी बनाऊँ, ग्रेवी वाली नहीं बना रही,
तो मसाले कम ही ऐड करे मैंने, तो आप देख सकते हैं मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, बस ऐसे स्टीम में बनाऊंगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूंगी और ये स्टीम में आलू और गोभी गल जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक करते हैं। मैंने यहाँ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, टमाटर के पानी में यही बनी है। तो देखिए आलू भी हमारा गल चुका है अच्छे से, तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इजी सब्ज़ी है ये। तो ऐसी प्यारी प्यारी रेसिपी देखने के लिए, इजी रेसिपी देखने के लिए, तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब चलें हम इसमें डालते हैं हरा धनिया। हम डाल देते हैं इसमें अच्छे से, बारीक काट लिया मैंने, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी आलू और गोभी की सब्ज़ी तैयार है। तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो यहाँ तैयार हो चुकी है हमारे आलू गोभी की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लग रही है और इजी है और सिंपल सब्ज़ी है। तो आपने मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच करी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे इतना प्यार दे रही है। तो आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।